Good morning and namaste students. Today we are going to continue chapter number 7, and in that chapter number 7, control and coordination, a very important topic, that is human brain. Exactly, it's a human brain diagram. Maine draw karke rakha hua hai. You need to practice this diagram very often. Bahut hi aapko acche se isko diagram karna padega, and it's a very typical short note. So let's see today human brain. Okay, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सी एन एस. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट सी एन एस. सी एन एस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का सीपीयू है, जो पूरी बॉडी में थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, एक्शन लेने की जो कमांड, ये सब कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है. विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजंस. The thinking of the brain involves more complex mechanism and neural connection. Neural connection, बच्चों, यानी कि अलग अलग तरह के यहाँ पे electrical impulses generate होते हैं, जो हमको अलग अलग चीजें करने के लिए बोलते हैं. The human brain receives information from the sense organ, जैसे मैंने बताया skin हो गया, nose हो गया, ears हो गया, eyes हो गया, ये skins के through, ये sensory organs के through brain को signals मिलते हैं. कल हमने reflex section देखा था, उसमें बताया था sensory neuron से रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, बट जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, एंड मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल ऑर्गन तक पहुंचती है इंफॉर्मेशन, एंड दस हाउ द पर्टिकुलर वर्क इज कैरी आउट बाय द ब्रेन. The human brain receives information from the sense organ, interprets it. Interprets यानी कि उसको analyze करता है, जो जो चीजें होती है उसको analyze करता है, क्या action लेना है वो बताता है. Send instruction to the muscles or the other effectors. Effectors यानी muscles होते हैं, हाथ के muscles, पैर के muscles, हमको अगर हमारी neck move करनी है, trunk move करना है, torso move करना है, ये सारे movement के जो related होते हैं, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? तो brain message convey करता है effector muscles को. सो दिस इज अ टिपिकल ह्यूमन ब्रेन. इस तरह का ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है. मैं आपको बताऊंगा इनके कौन कौन से पार्ट्स है, किस तरह से है. तो जैसे जैसे हम पार्ट्स को डिस्क्राइब करते जाएंगे, डायग्राम में भी मैं आपको बताता जाऊंगा. ओके, सो द थ्री मेन रीजन्स ऑफ द पार्ट्स फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में तीन मेन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट्स. कौन कौन सा? तो फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, एंड थर्ड हिंड ब्रेन. ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन. फोर ब्रेन मेन है, ये पूरा जो ऊपर का दिख रहा है ना रेडिश पोर्शन वाला, ये पूरा फोर ब्रेन है. पूरा आगे का ये फ्रंट पार्ट जो होता है अपना, वो पूरा फोर ब्रेन होता है. उसके बीच में मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, और उसके यहां साइड से नीचे कनेक्ट करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से होता है हिंड ब्रेन. तो किस तरह से कौन सा कनेक्ट रहता है, हर एक पार्ट के फंक्शंस क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की. ओके, इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. सबसे बड़ा पार्ट होता है, यू कैन सी बहुत ही बड़ा पार्ट है ये. ये जो नूडल्स नूडल्स जैसा दिख रहा है ना, दैट इज द फोर ब्रेन पार्ट. रिसीव सेंसर इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर. बच्चों, हमको जो भी सेंसर आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं, स्किन से कुछ महसूस कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां जाती है? तो फोरब्रेन में जाती है. इट कंप्राइजेस ऑफ, तो फोरब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला है सेरेब्रम, दिस वन सेरेब्रम. ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये सब कुछ सेरेब्रम है. ओके, इट इज एक्ट एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. सबसे ज्यादा जो थिंकिंग पार्ट, जो प्रोसेस होता है सोचने की, याद रखने की, वो सारा सेरेब्रम में होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग. हम कुछ अगर रीजन देते हैं, कुछ सोच के बोलते हैं, उसके लिए स्पीच, जो अभी मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा सेरेब्रम सोच के बता रहा है. इंटेलिजेंट साइट, अगर हम कुछ चीजें अच्छे से बोलते हैं कि हाँ इसके में ऐसा ही होगा या इसमें ऐसा ही होगा, दैट इज इंटेलिजेंट साइट. हियरिंग, सुनना, एंड यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हमारे पास जो भी पास्ट में इंफॉर्मेशन होती है, से फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने किसी गर्म चीज को छू लिया, तो पहली बार जब लाइफ में फर्स्ट टाइम छुआ होगा तुमने, गर्म पानी में हाथ डाल दिया, तो तुमको पता है कि अब गर्म पानी में नेक्स्ट टाइम हाथ नहीं डालना है, वरना तुम बर्न हो सकते हो. तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में,
और बाद में फिर जब हम नेक्स्ट टाइम गर्म पानी देखेंगे तो सीधा उसमें हाथ डाल नहीं देंगे, हम लोग सोचेंगे ये काम करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि इसमें ऐसा करने से हार्म होता है या ये करने से ये होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। ओके, देयर इज अ सेपरेट एक्सेस ऑफ एसोसिएशंस, एरियाज ऑफ एसोसिएशंस वेयर सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन आर फाउंड इन द सेरेब्रम इटसेल्फ एंड दीज आर। तो यहां पे कुछ सेंसरी एरियाज है, एसोसिएशन एरियाज है। सपोज के मैं यहां अभी आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे ऑलरेडी दिमाग में ब्रेन का ये स्ट्रक्चर मुझे याद है, तो ये चीज मैं रिकॉल कर करके बोलता हूं आपको कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो मेरे में ऑलरेडी एक तो स्टोर है, प्लस मैं अभी यहां से देख रहा हूं, तो ये मैं पढ़ता हूं, तो ये चीज मेरे पहले की जो मेमोरी है उसे इंटरप्रेट करता है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे बतानी है वो बताता है। ओके, तो कौन कौन से पार्ट है बच्चों? तो सेंसरी एरिया सबसे पहला, सेरेब्रम में इन सारे पार्ट में अलग अलग जगहों पे सेंसरी एरियाज हैं। तो सेंसरी एरियाज क्या होते हैं? रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर इन स्किन, मसल्स, आईज, ईयर्स, नोज, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इन सारी ऑर्गन से स्टिमुलस यानी रिस्पॉन्स कलेक्ट करता है और सेंसरी एरियाज जो होते हैं सेरेब्रम के, तो इसमें एंटर करवाता है। सेकेंड है एसोसिएशन एरिया, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स। जैसे मैंने बताया पानी वाला एग्जाम्पल या गर्म पानी वाला, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो चुकी है कि नेक्स्ट टाइम गर्म पानी में ऐसे हाथ नहीं डाल देना है हमको। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में गर्म पानी की बकेट हमको दिखेगी तो हमको ये याद रहेगा, प्लस हम वो चीज को सेंस नहीं करेंगे, हमको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर जो होती है और जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको लिंकअप करता है एसोसिएशन एरिया। थर्ड है मोटर एरिया, मोटर एरिया सिंपल सी बात है, सेंसरी एरिया क्या करता है? इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है बॉडी पार्ट से, मोटर एरिया क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा इफेक्टर ऑर्गन से कि ये आपको करना है या ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह से। सेंड इंपल्सेस टू मसल एंड ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में मसल्स तो आपको पता ही है, कई तरह की ग्लैंड्स भी होती है। से फॉर एग्जाम्पल एड्रीनालिन ग्लैंड की बात करो, एड्रीनालिन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जो कभी कभी हमसे यू कैन सी कभी कभी जैसे हम कोई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं, अचानक से सपोज कि हमारे पीछे कुत्ता भाग रहा है तो हम एकदम डर जाएंगे और हमारी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाएगी। तो ये हार्ट बीट फास्ट होने का जो प्रोसेस होता है ना, तो ये एड्रीनालिन ग्लैंड करती है। ये एड्रीनालिन ग्लैंड हमारे हार्ट की जो बीट है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो एकदम फास्ट कर देगा। ओके, सो ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है ब्रेन। देन ऑल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स दैट इज लेग, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर न्यूरॉन से हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। बच्चों वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम हमारी मर्जी से करते हैं, द एक्शंस विच हैपन्स बाय अवर विल, हम खुद चाहते हैं। अगर मुझे अभी हाथ ऊपर करना है तो हाथ ऊपर मैं कर रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी है। मैं खाना डाइजेस्ट करना, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, ये सारी चीजें मैं खुद से नहीं कर सकता, ये मेरी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन है। जो स्टमक का जो फंक्शन होता है डाइजेशन का, वो मैं मेरी चाहत से मैंने खाना खाया चल भाई अभी डाइजेस्ट हो जा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, वो अपने आप होता है, दैट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो दैट वाज रिगार्डिंग सेरेब्रम। सेरेब्रम के तीन पार्ट होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। उसमें कुछ तरह के लोब्स होते हैं बच्चों, लोब्स का मतलब पार्ट्स, फोर ब्रेन के कुछ लोब्स हैं। पहला जो है वो है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब किससे रिलेटेड है बच्चों? तो विजुअल रिसेप्शन से, विजुअल ऑसिपिटल लोब सीधा हमारी आंखों से कनेक्टेड रहती है, ये आंखों की जो नर्व्स होती है ना, तो ऑसिपिटल लोब में इंफॉर्मेशन जाती है। मैं यहां पे देख रहा हूं तो ये इंफॉर्मेशन सीधा मेरे आंखों के ये ऑसिपिटल लोब में जाती है और वहां से मुझे दिखाई दे रहा है जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, तो विजुअल रिसेप्शन यानी वो दिखाई देता है। सेकंड जो है वो है टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब किस लिए होता है? ऑडिटरी, ऑडिटरी रिसेप्शन, ऑडिटरी यानी सुनने के लिए, हियरिंग, ऑडिटरी यानी फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए. देन पैरेटल लोब, पैरेटल लोब जो होता है वो बच्चों बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे कि टच, स्मेल, देन टेम्परेचर एंड कॉन्शियस एसोसिएशन. कॉन्शियस का मतलब बच्चों हम जो सोच रहे हैं अभी, हम जो जैसा हम कॉन्शियस है, हम होश में है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो ये पैरेटल लोब में होती है. थर्ड वन इज द पैरेटल लोब. तो टच हो गया, स्मेल हो गया, स्मेल जो है वो ऑल्फैक्टरी लोब में भी होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी यानी कि टच से रिलेटेड होता है वो, सॉरी स्मेल से रिलेटेड होता है. एंड द फोर्थ वन इज फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो रहता है दैट इज फॉर मस्क्यूलर एक्टिविटी. मस्क्यूलर एक्टिविटीज के लिए, हाथ चला रहे, पैर चला रहे, दौड़ना, कूदना, भागना, उठना, बैठना, ये सारी मस्क्यूलर एक्टिविटी फ्रंटल लोब के थ्रू होती है. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जो भी है आपको पता चल जाएगा. ये फोर ब्रेन के कुछ चार ऐसे पार्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों से, देखने के लिए, विजुअल, ऑडिटरी, टच, स्मेल, टेम्परेचर, कॉन्शियस एसोसिएशन एंड मस्क्यूलर एक्टिविटी. बच्चों कॉन्शियस यानी कि हम जो बैलेंस, हम लोग जो होश में है ना, तो ये बिकॉज ऑफ कॉन्शियस एसोसिएशन. ओके, तो ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं वो सारी चीजें कहाँ होती है बच्चों? फोर ब्रेन में. तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट जो है फोर ब्रेन का है, और इसके अंदर अलग अलग जगहों पे, यहाँ सेंसरी वाला है, यहाँ ऑल्फैक्टरी वाला है, यहाँ पे ऑडिटरी वाला है, अलग अलग जगहों पे ये ऑर्गन्स, सॉरी रिसेप्टर्स होते हैं. थर्ड इज हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, हाइपोथैलेमस. यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा पार्ट, ये वाला नहीं है, यहाँ पे बीच में होता है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है. हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का ही पार्ट है. दिस पार्ट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, अर्जिंग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों? तो हाइपोथैलेमस करता है टेम्परेचर कंट्रोल, ड्रिंकिंग, जो हमको प्यास लगती है वगैरह, ईटिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए कौन करता है बच्चों? तो हाइपोथैलेमस करता है. अगर हमको प्यास लग रही है तो वो इंडिकेशन हमारे ब्रेन को देता है, और ब्रेन समझ के हमको फिर पानी की प्यास जो लगती है तो वो हम लोग एक्ट करते हैं, पानी पी लेते हैं. तो वो कौन करता है बच्चों? तो हाइपोथैलेमस करता है. सो दैट वाज होल रिगार्डिंग द फोर ब्रेन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आपको दिमाग में रहेगा कि फोर ब्रेन का पूरा हमने देखा था. नाउ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि बीच का पार्ट, ये मिड ब्रेन है, ये आप देख रहे हो ना खाली एरिया, वो मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन नाम से ही पता चलेगा, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है वो. ओके, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ नेक, हेड, नेक, ये सब के मूवमेंट्स कंट्रोल करता है. एंड ट्रंक, ट्रंक यानी पूरा एरिया. अगर मैं ऐसे हो रहा हूं तो पूरा जो कंट्रोल है, हेड, नेक, ये सब कौन करता है बच्चों? मिड ब्रेन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है. टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल, अगर यहां से कुछ रोशनी आ रही है तो मैं यहां पे देखूंगा, यहां से कुछ साउंड आ रहा है तो मैं यहां पे देखूंगा. तो ये जो विजुअल रिसेप्शंस हैं, ये कौन? विजुअल, ऑडिटरी, तो रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस कल मैंने बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये कैसे होता है? अचानक से होता है, साउंड आ रहा है तो मैं यहां देखूंगा, कोई मुझे बुला रहा है विपिन सर तो मैं ऐसे देखूंगा, तो जिस डायरेक्शन में से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं. ओके, दे आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. जहां से सोर्स है, जहां से कुछ बात सुनाई दे रही है, जहां से कोई लाइट आ रही है, तो वहां पे हम फोकस करते हैं. देट आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, प्यूपिल साइज एक्सेट्रा. प्यूपिल की साइज, आई मसल जो होते हैं, हम ऐसे ऐसे जो कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारा हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन करवाता है. एंड नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज हिंड ब्रेन. ये हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं. ये पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और सेरेब्रम होता है. तो तीनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझना. इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन. ये जो डंडी दिख रही है ना, ये डंडी हमारे मेन ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करती है. तो ये जो हिंड ब्रेन है, इट इज अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन
मिड हिंड ब्रेन से कनेक्टेड है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट है इसके मिड ब्रेन के भी, सॉरी हिंड ब्रेन के भी, दैट इज पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम. ओके, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है. ओके, लेट्स सी सेरिबेलम फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेरिबेलम है. यहाँ पे जो दिख रहा है ना बच्चों साइड पे, ये सेरिबेलम सेरिब्रम है. ओके, सॉरी सेरिबेलम है. ओके, सॉरी सेरिबेलम. सेरिबेलम इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट मस्कुलर और एक्शन. हमारी बॉडी के जितने भी मस्कुलर एक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन होते हैं, ये सारे कौन करवाता है, तो सेरिबेलम करवाता है. इट मेंटेन, सॉरी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन. अगर ये चौक है यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक्शन जो रेगुलर है, मुझे चौक उठाना है तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे ही हाथ डालूंगा और हाथ में आ गया. अगर ये प्रिसीजन नहीं होता, एक्यूरेशन नहीं होता, तो मैं ऐसे हाथ डालता कहीं पे और मेरे हाथ में आती ही नहीं. तो ये जो एक्यूरेसी होती है ना बच्चों, जहां पे मैंने देखा वहां से मैंने उठाया, ये प्रिसीजन कौन करवाता है, तो ये सेरेबेलम करवाता है. ओके, तो एक्यूरेसी के लिए जो होता है, हमारी वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं एक्यूरेसी के लिए, वो हमारा ये सेरेबेलम करवाता है. इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. बच्चों पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं जो अभी सीधा खड़ा हूं बिकॉज ऑफ पोस्चर, इसको पोस्चर बोलते हैं, स्टेचर. ओके, इक्विलिब्रियम, मैं ऐसे शराबी की तरह से डोल नहीं रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते डोल नहीं रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, इक्विलिब्रियम, बैलेंस फॉर्म में. तो ये कौन करवाता है, सेरेबेलम करवाता है. मैं अगर आपके सामने देख रहा हूं, ये कौन करवाता है, सेरेबेलम. अदरवाइज तो मैं यहां देख के पढ़ा रहा था, भाई बच्चों ये है ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है. सेरेबेलम एक्स, मुझे पता था एग्जैक्ट मेरी पोजिशन क्या है, मुझे बैलेंस फॉर्म में रखता है. ओके, या हर एक को. सो सेरेबेलम के कौन कौन से फंक्शन है, मस्कुलर एक्शन करवाता है, प्रिसीजन करवाता है वॉलंटरी एक्शन में, पोस्चर मेंटेन करवाता है, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस रखवाता है बॉडी का, ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, ड्रिंकिंग, कैचिंग, राइडिंग, कोई भी चीज हम जब कर रहे होते हैं, चल रहे होते, तो अगर मैं चलूंगा तो मैं सीधा चल सकता हूँ, ये दरवाजा मैं खोल दूंगा. ओके, तो अगर मैं, मेरा सेरेबेलम वर्क नहीं करेगा तो मुझे चक्कर आएगा, मैं ऐसे ऐसे डोलता हुआ अभी चलूंगा, तो डिजीनेस जब होता है तब सेरेबेलम काम नहीं करता. आपने नोटिस किया होगा जब लोग शराब पीते हैं तो वो सीधे नहीं चल सकते, उनके सेंसेस काम नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस सेरेबेलम डजंट वर्क एट दैट टाइम, अच्छे से काम नहीं करता. सेकंड इज पॉन्स, ये वाला पार्ट, पॉन्स. पॉन्स क्या करता है बच्चों, पॉन्स इट लाइज अबव द मेड्यूला, मेड्यूला के ये मेड्यूला है, मेड्यूला से थोड़ा सा ऊपर ये पॉन्स है. पॉन्स क्या करता है, इट लाइज अबव द मेड्यूला एंड टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. हमारी जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है ना, क्या हम सांस जो लेते हैं वो सोच के लेते हैं, आज मुझे सांस लेने का मन नहीं है, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं, मर जाऊंगा अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो. इनफैक्ट कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सांस रोक के भी नहीं रख सकता, 30 सेकंड्स बहुत हो गया, जिसको प्रैक्टिस है वो एक मिनट डेढ़ मिनट, बट अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं आज मेरी सांस रोक लेता हूं मैं मर जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल बच्चों. हम हमारी तरफ से ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते. तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स करता है. हमारी बॉडी में कंटिन्यूस रेस्पिरेशन चल रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है. तो इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, हम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं बट ये अपने आप हो रहा है. ओके, तो रेस्पिरेशन कौन करता है, तो पॉन्स करता है. इट रिलेज इंपल्सिस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अलग अलग ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने, एक पोस्टमैन है, पॉन्स इज अ पोस्टमैन, अलग अलग मैसेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये पॉन्स करता है. ओके, थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज फाउंड कंटिन्यूअसली विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसी के साथ कंटिन्यूएशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके, साथ में ही है उसके. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्लड प्रेशर, हमारी ब्लड का जो प्रेशर बढ़ता है कम होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. हम नहीं कर सकते उसको, इट इज इनवॉलंटरी एक्शंस. एंड रेगुलेट्स रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज सच एज सलाइवेशन, मुंह में पानी आ जाना, कोई हम फूडी चीज देखते जो हमारी मन पसंद होती है तो मुंह में पानी आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को. एंड वॉमिटिंग, वॉमिट होता है, सलाइवेशन होता है, तो ये सारी चीजें जो होती है इनवॉलंटरी, हम चाह के इसको कम या तो ज्यादा नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है. तो ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन कौन करता है, तो इनवॉलंटरी एक्शन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है. सेरेबेलम क्या करता है, मेंटेनिंग पोस्चर, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें करता है. ओके, नाउ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, ब्रेन का जो स्टेम होता है
ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये करवाता है ये हिंड ब्रेन। सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सेंटर की डंडी है ब्रेन की, तो वो कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से बिकॉज ऑफ दिस हिंड ब्रेन ओनली। ओके, सो दैट वॉज योर ब्रेन। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं। पहले तो फोर ब्रेन का ये पूरा पार्ट है, आप देख सकते हैं डार्क लाइनिंग बॉर्डर एकदम, ये है क्रेनियम। क्रेनियम यानी स्कल, खोपड़ी। आप टच करोगे ना, काफी हार्ड होती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को अंदर। ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से, ये पूरे एकदम सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल करता है। अगर हम गिर जाए, सर के बल गिर जाए, तो हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके, बट सिर्फ यही प्रोटेक्ट नहीं करता, इसके अंदर आप देख सकते हो तीन लाइनिंग भी मैंने की है, थ्री लाइनिंग्स। ये तीन लाइनिंग को बोलते हैं थ्री मिनेंजिस। बच्चों मिनेंजिस यहां पे जो है ना शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, ये लिक्विड मिनेंजिस होती है, लेयर्स होती है, जो अगर हम कभी गिर जाए ऐसा कुछ सर के बल, तो हमारे ब्रेन को डैमेज नहीं होने देती। तो याद रखना इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इनसाइड द ब्रेन, और कितनी होती है ये, थ्री होती है, तीन होती है। ओके, तो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है, मेजर फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर, इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सो दैट मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया हार्ट बीट बढ़ जाने का, अगर कुत्ता पीछे पड़ गया, तुम्हारे सामने अचानक से ट्रक आ गई, तो तुम क्या घबरा जाते हो, तुम्हारी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, तो वो हार्मोनल एक्शंस होते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन अपनी बॉडी में अचानक से रिलीज होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है धक 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 फास्ट हो जाती है। ओके, तो हार्मोनल एक्टिविटी ये सब बैलेंस करवाता है हमारी बॉडी को, जो मैकेनिज्म होता है वो बैलेंस करवाता है ब्रेन। सेकंड, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सारी सेंसरी ऑर्गन्स में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इट कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलस फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, एंड देन सिग्नल पहुंचाता है, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। इट्स रिस्पॉन्सेस टू द इंपल्सेस ब्रॉट इन बाय सेंसरी ऑर्गन बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स कॉजिंग देम टू फंक्शन अकॉर्डिंग। सपोज यहां चाबी नीचे पड़ी है, मुझे चाबी उठानी है, तो ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, मैं चाबी उसको उठा लूंगा। तो पहले तो मैंने सेंस किया किससे, मेरी आईज से, कि चाबी कहां रखी है, यहां रखी है। फिर मेरे ब्रेन को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ब्रेन ऐसा कुछ करना है कि मुझे चाबी उठानी है, तो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया और मैंने फिर चाबी उठा ली। ओके, तो इस तरह से होता है काम। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो दैट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने बताया ना आपको कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस हमारे हुए होते हैं जो भी, उससे हमको सीख मिलती है। जैसे कि हमको घर जाना है, तो हम लोग घर रोज एक ही रूट से जाते हैं। ओके, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, हम लोग रोज अलग अलग ढूंढेंगे नहीं हमारा घर के, हमारा घर कहाँ है घर के, हमको पता है, तो ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो चुका है। ओके, तो इस तरह से होता है। सो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। मैंने आपको बताया ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, अलग अलग फंक्शन है अलग अलग चीजों के। फोर ब्रेन का फंक्शन है सेंसरी ऑर्गन्स है, रिसीव करता है स्टिमुलस एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करवाता है। जो मिड ब्रेन है, जो मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, और हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। तो इनके अलग अलग खुद के फंक्शंस है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, इसको पूरा रिवाइज करना, पूरे वीडियो को बार बार देखना इसको। ओके, नाउ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, अभी तक हमने ब्रेन देखा, नाउ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ द नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है, यहां से जो बड़ा सा एक लंबा लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। इट फंक्शन प्राइमरली इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन कैरी आउट होती है वो बाकी पूरी बॉडी पार्ट में पास ऑन कहां से होती है, ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, अपनी बॉडी का पूरा फंक्शन होता है, तो ये पूरे बॉडी का जो कंप्यूटर है इसको प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने बताया कि क्रेनियम जो स्कल है, खोपड़ी है हमारी ब्रेन के ऊपर है, जो हमको हार्ड एकदम टक 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 प्रोटेक्ट करता है अपनी ब्रेन को। उसके अंदर तीन लेयर्स भी है, मिनेंजिस उसको बोलते हैं, तीन लेयर होती है, मिनेंजिस बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो लेट्स सी क्या है वो।
Brain is a very delicate organ and it is important for the variety of activities. The body is designed in such a way that the brain sits inside a bony box. इसको bony box बोलते हैं, जो डब्बा है, bone होता है, पूरा hard bone होता है, bony box. Inside with the fluid filled balloon provides shock absorption. Fluid filled balloon, balloon जैसा structure layers के form में होता है, इसको meninges बोलते हैं. There is a hard bumpy structure called vertebral column or backbone. Vertebral column बच्चों अपने spinal cord से निकलता है, ये पूरा vertebral column है, okay? और backbone भी इसको बोलते हैं. Present at the middle of the back protects the spinal cord. तो हमारे spinal cord को यहाँ से पूरा vertebral column होता है जो हमारी पूरी back को support करता है और spinal cord को protect करता है. So mechanism of nervous tissue कैसे काम करता है बच्चों? हमारा नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. नर्वस टिश्यू रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी पार्ट एंड सेंड टू ब्रेन. सबसे पहला क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है, ब्रेन तक पहुंचाता है. ओके, ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड देन ऑर्गन तक पहुंचाता है. कन्वेस डिसीजन टू द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, अब जैसे मैंने बताया ये चौक है, तो ये चौक को अगर मुझे लेना है यहां से, तो ये मेरा ब्रेन मुझे बताएगा और मैं इसको चौक को लूंगा. मसल्स आर स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ शेप एंड अरेंजमेंट इन सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इंपल्स. ये जो स्पेशल प्रोटीन है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. 9th स्टैंडर्ड में ये वर्ड सुना हुआ, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. व्हाट डज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन डू? इफ यू वॉन्ट टू पिकअप समथिंग, तो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ओके, अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन काम नहीं करेगा तो हमारे मसल्स काम नहीं करेंगे, और अगर मसल्स काम नहीं करेंगे तो हम मूवमेंट कर सकेंगे नहीं. द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन देयर बाय गिव्स द मस्कुलर सेल अ शॉर्टर फॉर्म एंड मूव्स इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द माइंड. तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारे मसल्स को अलग शेप देगा. तो याद रखना बच्चों, मसल्स को शेप देने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ओके, now PNS, peripheral nervous system, that is peripheral nervous system. हमने CNS देखा था बच्चों, CNS क्या था, brain और spinal cord. but peripheral nervous system क्या है, हमारी body में अलग अलग जगहों से nerves arise होती है, ये nerves होती है पूरी body में फैली होती है, तो ये पूरे network को बोलते हैं peripheral nervous system. तो क्या है इसमें, let's see. It consists of nerves that directly enters or leaves the central nervous system and connect different parts of the body. या तो जो brain की nerves है brain से ही connect होती है, जो हमारे spinal cord तक connected रहती है, brain information देता है spinal cord को और spinal cord बाद में फिर पहुंचाता है अलग अलग organs तक. It consists of following types of nerves which carry both sensory and motor neuron. तो ऐसी nerves होती है peripheral nervous system में जो message receive भी करती है और message send भी करती है organs को. सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स बच्चों वो नर्व्स होती है जो ब्रेन से अराइज होती है. पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था क्रेनियल नर्व्स कहां से अराइज होती है, ब्रेन से. क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन. दीज आर द नर्व्स विच इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड. ये नर्व सिर्फ हेड में ही होती है, अपने पूरे हेड में ही होती है, ये जगह जगह तक कनेक्टेड नहीं होती है. ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो सिर्फ ब्रेन में होती है. Second, spinal nerves. These are the nerves which arise from the spinal cord along most of its length and spread throughout the body except the head. Head ke alawa, माथे के अलावा बाकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, क्योंकि हेड के अंदर तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो आती है नर्व्स, वो सारी पूरी बॉडी में है. और मैंने बताया था कि स्पाइनल नर्व्स जो रहती है जो वर्टिबल कॉलम में से निकलती है, 31 pairs होती है. कितनी? 31 pairs, ओके. एंड विसरल नर्व्स बच्चों, विसरल नर्व्स वो नर्व्स होती है जो हमारे स्टमक, लीवर, पेनक्रियास ऐसी ऑर्गन्स में होती है, जो ये ऐसी ऑर्गन्स हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं करती, ये अपने आप काम करती है, इनवॉलंटरी मसल्स उसको बोलते हैं. तो वहां की जो नर्व्स होती है उसको विसरल नर्व्स बोलते हैं. दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ नर्व्स दैट मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सबके नर्व्स अटैच होती है. तो ये जो नर्व्स है
ये हमारे बिल से काम नहीं करती, ये स्टमक है, लीवर हो गया, ये सब हमें सेक्रेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, लंग्स हो गया, ये सारी चीजें अपने आप काम करती है. ओके, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस दैट रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एक्सेट्रा. तो कई तरह के ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एक्सेट्रा होता है, तो ये जो काम करता है पूरा, ये हमारा कौन करता है? तो पीएनएस का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. अब ये सिस्टम क्या काम करता है समझ लो अच्छे से. व्हेनेवर देयर इज अ सपोज कि हमारी हार्ट बीट बढ़ गया, अगर हम भागेंगे अचानक से, हम दौड़ पड़े तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. दैट पर्टिकुलर हार्ट बीट नीड्स टू रिड्यूस, इस हार्ट बीट को रिड्यूस करना पड़ता है. तो ये हम नहीं करते, जैसे हार्ट बीट अपने आप बढ़ती है तो वैसे ही हार्ट बीट अपने आप कम भी हो जाती है थोड़ी देर बाद. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. दो तरह की सिस्टम होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आती है. ये सिस्टम जो होती है अपने आप काम करती है, इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होती. ओके, सो टुडे वी हैव सीन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बोर्ड पे से कुछ भी मिटाया नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सब है. बाकी का आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएगा और ऑल इन वन बुक से भी मिल जाएगा. तो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पूरा, जैसे मैंने बताया, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना और इसको दिमाग में रखना. ओके, सो आज का वीडियो इतना ही, बाकी का हम लोग कल देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बाकी है. ह्यूमन बॉडी का सब कुछ हो गया, अभी प्लांट के बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर हार्मोन्स के बारे में देखेंगे. ओके, वीडियोस देखते रहिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, कमेंट कीजिए, शेयर मत कीजिए किसी और से, अपने स्टूडेंट्स तक ही इसको रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.